पंचायत चुनाव 2021 समापन की ओर है और सवाल यह उठता है कि पंचायतों के विकास के लिए वार्ड का विकास जरूरी है, तो आखिर वार्ड सदस्य को क्या मिलेगा? योजना कितने लाख कितने करोड़ मिलेंगे अपने वार्ड के विकास के लिए? क्या वार्ड सदस्य आज भी मुखिया जी के पीछे पीछे चलेंगे या फिर केवल वही दशा होगा जो पहले होता था कि कई वार्ड खाली रह जाता था, कोई वहां से खड़ा नहीं होता था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, हर वार्ड से लोग दर्जनों की संख्या में लड़ रहे हैं। कोई ऐसा वार्ड, बहुत कम ऐसा वार्ड मिला है जहां पर वार्ड की धमक नहीं हो। हर जगह वार्ड सदस्य लड़ने के लिए रफ्तार तेज है, संख्या ज्यादा है। कारण पिछले साल भी वार्ड को काफी वैल्यू सरकार के द्वारा दिया गया और इस बार भी काफी वैल्यू मिलेगा। कारण सात निश्चय योजना के तहत चलने वाले नल जल योजना, सात निश्चय योजना के कारण वार्ड सदस्यों की महत्ता बढ़ गई है, काफी पैसे मिलने की उम्मीद है। आप अपने वार्ड में केवल कार्यों को चुनिए, पैसा सरकार इस बार काफी देने जा रही है। दूसरी, मुख्यमंत्री का डायरेक्ट नजर नल जल योजना पर और नल जल योजना को हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य सरकार की है, जिस लक्ष्य को पूरा करने में वार्ड सदस्य को काफी योगदान होता है। तो निश्चित तौर पर अब वार्डों में जिस प्रकार से मुखिया से चुनाव लड़ने के लिए धमक हुआ करता है, अब वार्ड से भी लड़ने के लिए धमक बढ़ गई है। लेकिन इस बार के बाद अगले 5 साल में वार्ड सदस्यों का और महत्व बढ़ेगा, क्योंकि इस बार इतनी योजना मिलेगी वार्डियों में कि लोग फिर से मन बनाएंगे कि वार्ड में। हालांकि लोग अपने कार्य में देते हैं, राजनीतिक अनुभव में देते हैं कि मेरा कार्य समाज सेवा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि कुछ लोगों को अगर छोड़ दे तो लोग अगर पहले आखिर क्यों नहीं इतना लड़ा करते थे। आज योजनाओं की जब बौछार होने लगी है तो संख्या की भी बौछार होने लगी है, यानी कि कुल मिलाकर अब पंचायतों में, पंचायत के वार्डों में कमाई बढ़ गई है। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं सुनील। हमेशा वार्ड सदस्यों के लिए आवाज उठाते रहे हैं और हर जिलों से आपको रूबरू करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसे जैसे सरकार का नोटिफिकेशन जारी होगा, वैसे वैसे आप तमाम वार्ड सदस्य भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम हर योजना को जानकारी देंगे। आपका योजना पंचायत में आता है तो उसमें आपकी कितनी हिस्सेदारी होता है वार्ड में काम कराने के लिए, इसके लिए आपको हम सचेत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमारी ताकत को मजबूत कीजिए। ताकत, हम आपसे आर्थिक मदद नहीं मांग रहे हैं। ताकत, आपको हम शारीरिक मदद नहीं मांग रहे हैं। ताकत में हम मांग रहे हैं कि हमारी सदस्यता संख्या बढ़ा दीजिए, ताकि आपकी हर आवाज सरकार से आप तक पहुंचाए और आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाए। आपका काफी हालांकि योगदान रहा है, 1 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा प्लस और करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों तक मगज संवाद की पहुंच हुई है। तो थोड़ा सा और आप मेहनत कीजिए। अगर अब तक हमारे वीडियो को आपने लाइक के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और निश्चित तौर पर जितना हो सके आपके घर का, आपके गांव का सभी मोबाइल से आप मगध संवाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी सदस्यता संख्या बढ़ जाए। सदस्यता लेने में ना तो आपके पास से कोई पैसा कटता है, ना बैलेंस कटता है, ना कोई दिक्कत, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा गौरव बढ़ जाता है कि हमारी सदस्यता संख्या कितना है। तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप हमारी सदस्यता संख्या बढ़ाने में मदद करेंगे। वीडियो के नीचे लाल रंग से अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, उसे टच करके ऑल बटन पर क्लिक कर देना, यानी टच भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सदस्यता संख्या बढ़ जाएगी। चलिए हम आपकी बात कर लेते, मैंने बहुत अपनी बात रख दी। दोस्तों, इस बार पंचायत के वार्ड सदस्य लड़ने के लिए लोगों की संख्या बढ़ गई है, चाहे वह सीट महिला सीट हो, पिछड़ा सीट, अति पिछड़ा सीट हो या कोई अन्य सीट हो, अनुसूचित जाति, सभी सीटों पर भी बहुत कम जगहों पर निर्विरोध होने का बात सामने आया। आखिर ऐसा क्यों? तो निश्चित तौर पर डायरेक्ट यह बात हम कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए पैसे, योजना की मारामारी। काफी योजना वार्डों में आया है और आने वाला है। पिछले बार नल जल योजना के कारण जो राशि आया लाखों रुपया, सभी का ध्यान चला गया, सभी वार्ड में इतने सारे पैसे आ गए।
और जिसका प्रतिफल रहा कि आज वार से चुनाव लड़ने वालों की काफी संख्या है, और संख्या ही नहीं सभी लोग सक्रिय हैं, सभी तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं। जिस प्रकार से मुखिया जी चुनाव जीत के लिए हर कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वार्ड सदस्य भी इस बार सक्रिय रहे। नल जल योजना हर वार्ड में लगे और बेहतर ढंग से संचालित हो, निश्चित तौर पर इस बार भी नल जल योजना को और बेहतर बनाने के लिए योजना तो आना तय है। बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं कि वहां नल जल योजना की व्यवस्था तो हो गई है लेकिन पानी चालू नहीं है, वहां भी और राशि आएगी। बहुत से जगह पर नल जल योजना संचालित है, पानी भी घर तक पहुंच रहा है, लेकिन वार्ड इतना बड़ा है कि वहां पर हर घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, यानी कि बिल्कुल और पाइपलाइन और बिछाने की जरूरत है। हो सकता है कि वहां बड़ा वार्ड होने के कारण वहां एक ही जो पानी का बैलेंस है, बैंक है, यानी पानी जमा रखने का बना हुआ है, एक जगह और बना, पाइप और लगाने की जरूरत हो तो वहां तो योजना और लंबा चौड़ा मिलेगा। हर वार्ड में बिजली के सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए भी धन राशि मिलने जा रही है, यानी सरकार का पूरा ध्यान अब डायरेक्ट निचले स्तर जो होता है वार्ड वार्ड को मिलने जा रहा है। हर वार्ड से पहले लोग नासमझी में मुखिया जी के पीछे चला करते थे, लेकिन अब अनुभवी लोग भी वार्ड में आने लगे हैं, तो अब मुखिया जी की भी खैर नहीं है, हर योजनाओं में साझेदारी होगी। अगर 10 रुपये आया है और 10 वार्ड है तो सभी वार्डों को एक एक रुपया कार्ड कराने के लिए लेंगे, और मिलना भी चाहिए। इस नियम को आप जरूर दिमाग में बनाए रखिए कि अगर पंचायत के नाम पर अगर कोई पैसा आता है तो मुखिया जी अगर चाहे कि एक ही दो वार्ड में करा दे तो वह गलत होगा, क्योंकि सभी वार्डों के लिए वह हिस्सेदारी आया है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आया है तो मारामारी नहीं करना है। हो सकता है कि जो राशि आया है और सबसे ज्यादा आपके वार्ड से ज्यादा बगल के वार्ड में वह जरूरी है, काफी दिक्कत हो रहा है, तो वहां पर आप थोड़ा सा मोह, लेकिन अगर आप टाइट होइएगा तो उससे भी आपको हिस्सेदारी मिलेगी अपने वार्ड में काम कराने के लिए। हर नली गली को चकाचक बनाना है, और इसके लिए योजना तो बिल्कुल सामने दिख रहा है, लेकिन इंतजार कीजिए मात्र दिसंबर का। 15 दिसंबर के बाद आपको तमाम योजनाओं के बारे में बताएंगे, आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा सरकारी तौर पर, और आपके अपने मगध संवाद पर भी आपको ट्रेंड करने का काम किया जाएगा, ताकि आप घिघियाइए नहीं, योजना को छीनिए, लाइए। कैसे लाइएगा? लड़कर, शारीरिक ताकत दिखाकर नहीं, कलम के जादू से। जब आपकी हर योजना की जानकारी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आपको हर लोग वैल्यू देगा, मुखिया जी भी वैल्यू देंगे, कौन सा योजना कहां पर कार्य कराना है, किस योजना के लिए आया है, किस मद का पैसा आया है, इसकी जानकारी, कब पैसा कितना पंचायतों को मिला, इसकी अगर जानकारी हो जाती है तो आप डायरेक्ट मुखिया जी से मिल सकते हैं और कह सकते हैं कि 1 करोड़ रुपया आपको मिला हुआ है, इस कार्य के लिए मिला है, तो यह कार्य हमारे वार्ड में भी है, ध्यान यही रखना है। घिघियाते क्यों है? आपके लिए आया है तो निश्चित तौर पर आप केवल सक्रिय रहिएगा, आपकी योजनाओं को जानकारी रहेगा तो मिलेगा। ऐसे भी फिर से मरम्मत करने के लिए वार्ड पैसे मिलेंगे नल जल योजना के लिए, और नल जल योजना से जिस घर तक पानी गया, जिस घर में पानी गया उसे 30 रुपया लेना है, और वार्ड को यहीं पर 30 लेने के बाद में 15 वार्ड का हो जाता है, और 15 रुपये उनके देखभाल, नल जल की देखभाल के लिए, लेकिन बहुत सारे जगहों पर अभी पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, यानी कि चाहे वह कोई भी कार्य हो बिना वार्ड के सहमति से नहीं कराया जा सकता है। साहब, जब मुखिया जी रजिस्टर आपके यहाँ भेजते हैं या बैठ के करते हैं तो बिना पढ़े हुए, हालांकि बहुत जगह से ऐसे सूचना मिलती है कि प्रोसीडिंग बिना लिखे हुए वार्ड सदस्यों से साइन करवाया जाता है, सबसे पहले इस पर आप काबू पाइए कि जो लिखना है वह प्रोसीडिंग में डाल दीजिए, रजिस्टर में डाल दीजिए, उसके बाद मैं साइन करूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर यह फुल पेज है तो इस पेज पर इतना
में लिख दिया गया कि इस योजना को कार्यान्वित किया गया है और इतना जगह फिर छोड़ दिया जाता है, यहाँ से साइन करवाया जाता है। देख लीजिए इतना जगह में लिखा गया नोटिस जो बैठक हुई और इतना जगह छोड़ दिया गया और नीचे से साइन करवाना शुरू कर दिया गया। आप सोचते हैं कि हाँ हाँ कुछ ऐसे छोड़ दिए होंगे, आप पूछते नहीं है साहब, अगर मानिक उतना जगह छोड़ा भी जाता है तो उसको क्रॉस तो कर दीजिए कलम से कि उसमें कुछ और घुसाया नहीं जा सके। यहीं पर मिसिंग वार्ड सदस्य करते हैं कि बाद में कुछ और योजनाओं का नाम डालकर पैसे निकाल लिए जाते हैं, तो जगह छोड़ने की क्या जरूरत है? अगर जगह छूट भी गई है तो उसको कलम से क्रॉस तो करवा दीजिए, तब साइन कीजिए, तब देखिए आपको मान सम्मान मिलता है कि नहीं। तो आप तो सादे कागज पर भी साहब साइन करते हैं, बिल्कुल कर देते हैं सादे कागज पर भी। तो इस तरह से सादे कागज पर भी साइन करने से बचिए, योजनाओं की जानकारी रखिए और जैसे जैसे सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी होगा आपको हम बताएंगे। चाहेंगे कि वीडियो लंबी नहीं हो, केवल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी सदस्यता संख्या बढ़ाइए तो निश्चित तौर पर हर योजनाओं की जानकारी सबसे पहले और सबसे आगे देंगे, ये मेरा वादा है। और आपका वार्ड में विकास होगा और आपका भी विकास होगा। केवल आप मगर संवाद के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों से करवाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।